हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ ये छोटी सी दुकान न्यू ओपन हुई है। इसमें से ये देखिए नया बिजनेस चालू हुआ है। ये सब स्टूडेंट हैं, लगे हैं थोड़ा थोड़ा हेल्प में। ये सब हमारे छोटे छोटे मिस्त्री है। हाँ, घर उठा दिया एक। ये देखिए समोसा धीरे धीरे से तैयार हो रहे हैं। देखिए कैसे बना रहे हैं, कैसे बनते हैं। ये इधर कंप्यूटर सिस्टम भी है अपन, यहाँ शादी कार्ड का काम करते हैं अपन। तो ये लेजर लाइट है, डीजे लाइट, और ये कंप्यूटर है अपना, ये प्रिंटर है, ये कीबोर्ड माउस वाला डब्बा है। इधर ये पोंगा है, पार्ले का बॉक्स आया था, दिखा चुके हैं आपको। मोस्टली सभी सामान धीरे धीरे से है, गिफ्ट भी है। ये देखिए अंदर, और हम दिखा रहे हैं आपको, बाहर से दिखाते हैं थोड़ा सा फिर से। ये इधर ये देखिए, ये पोंगा बहुत, ये पोला जो होता है ना, पोला बहुत बिकता है इस समय। और ये मंजन ज्यादा बिकता है, काफी पुरुष करना पड़ता है। हाय गाइस, ये एटीएम सपोर्ट करते हैं, यहाँ एटीएम से मनी ट्रांसफर भी करते हैं। ये देखो अभी ये गुटके हैं, नमकीन है, ये सारे मोस्टली सभी कुरकुरे हैं, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं। और यहाँ ये सेंटर फ्रूस है, ये बिक्स है जो सर्दी जुकाम में काम करती है, और ये रसगुल्ला आता है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो ये बहुत ज़्यादा बिकता है, कल आया था पूरा, मतलब ख़त्म हो गया है, कुछ ही बचे हुए हैं नीचे साइड में, है ना। और ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत, ये पापड़ी वगैरह मूँगफली की, यहाँ ये मंच का चॉकलेट है, 10 बिक्री में है, और ये 5 बिक्री में है ना बोलो। ये देखो यहाँ समोसा बन रहा है इस तरह से, ये बना रहा है अभी थोड़ी देर से। इनको बताओ समोसा की रेसिपी, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, लोगों ने बताया था। हाँ, तो कैसे ये कस्टमर आए हैं, ये समोसा के लिए इंतजार में बैठे हैं, बस बन जाए, फुल्की तैयार हो गई। तो बताओ समोसा कैसे बनता है, पहले सबसे पहले आलू उबालेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या मसाला डालोगे इसमें? चलो ठीक है, हम वो कह रहे हैं, हम टाइम नहीं, हम ही बोल बता रहे हैं कैसे किया है इसने। तो आलू को पहले सबसे अच्छे पहले उबाल लिया है आलू को, और पहले उबाल लिया है आलू को, इसके बाद इसने छीला और इसको तल दिया है, और इसमें से धनिया मिला करके अपन धनिया मसाला एवरेस्ट का सारा मसाला मिला है, जिससे बहुत अच्छा स्वाद इसमें से बनता है। ये आलू का जो बनाया करते हैं, इसमें जीरा भी मिल जाता है, जीरा तो सब मिल चुका है। इसके बाद फिर ये आटा जो ये अपन मैदा लगाते हैं ना, तो मैदे में अजवाइन मिलाते हैं, काला नमक मिलाते हैं, और इसको एक घंटे के लिए छोड़ देते हैं, मतलब फूल जाए, है ना, ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो बहुत अच्छे से अपन बेल पाएंगे, जैसे वो बेल रहा है तो बेलेगा बहुत अच्छे से। और ये इसके बाद क्या करते हैं, इस तरह बेलेगा, फिर इसको बीच से स्लैश कर देगा, काट देगा, काटने के बाद फिर उसको पोंगी बनाएंगे, जल्दी से बना के बताओ, जल्दी से। अभी देखो बेल रहे हैं, फिर बनाएगा, देखना कैसे बना पाता है वो। देखो अभी यहाँ पर घोड़ा भी बना है, और वो फुल्की है ना, फुल्की बन गई, फुल्की उठाओ वहाँ रखो, अभी कस्टमर आने वाले। ये तो चिट्ठी छप गई है लेव का, मैं टेस्ट भी कर सकता हूं। नहीं टेस्ट नहीं, अभी कस्टमर आएंगे, बाहर रख के आओ ना इनको, फुल्की को। ये देखिए फुल्की ले जा रहे हैं, यहाँ पास अभी कस्टमर आने वाले हैं। ठीक है, जलजीरा का पानी उठाओ थोड़ा सा, एक कार्ड का पानी बना दिखा, कार्ड बनाओ। ये के स्लैश काट लिया है, तीन कोनों का बना लिया है। अब ये जैसे तीन कोने के बन गए, ये मसाला उसमें डालेगा, ये मसाला कर रहा है वो पोंगी में। हाँ, और पोंगी के बाद ये ऐसे पानी लगा करके चिपका देना, जिससे खुलेगा नहीं, है ना, तेल में जब तलेंगे। ये रख दिया, ये देखिए
स्टूडेंट है, बहुत प्यारे प्यारे। देखो काम कितना अच्छा करते हैं। ये देखो समोसा के लिए बना रहा है आइटम। ये बन चुका है आलू का मटेरियल। ये चौमिन के लिए कट चुका है, ये हरा हरा कैप्सिकम और ये प्याज वगैरह। और वो फुल्की भी तैयार है उधर, वो देखिए। और वो क्या है, पानी जलजीरा जैसे बोलते हैं। और ये बैठे यहाँ मस्ती कर रहे हैं, ये देखिए, ये खाना पीना खा रहे हैं, ये देखिए। अभी अभी देखिए जब बन जाएगा इस तरीके से। पहले से आलू को अच्छे से बना लिए हैं अपन लोग, आलू को उबाल करके और फिर इसको अपन मिक्स किए हैं, मसाले से तल दिए हैं, सभी एवरेस्ट मसाले डाले हैं इसमें। और देखो कितना अच्छा समोसा बना रहा है, ये देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। देखो इसमें कैसे बनाते हैं बताओ थोड़ा सा शिवा, प्यारे स्टूडेंट बताओ थोड़ा सा कैसे बनाते हैं इसको समोसे को। ये देख लीजिए, खुद देख लगा दे। ये बहुत बड़े बड़े बना रहे समोसा, बड़े बड़े नहीं। ये देखिए वो एक वो कहता है बड़े बड़े मैं खाऊंगा ज्यादा। मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। देखो हम कुरकुरे खा रहे हैं, कुरकुरे मैं भी खा रहे। देखो ये लोग मैं होस्टल का सो, ये देख यादा, ये बहुत सबसे बेकार लड़के हैं। और ये देखो मैं पेट कर रहा हूं नहीं। और ये देखो दुकान में मोस्टली ये नई न्यू जो दुकान है अपन ओपन किए हैं, तो ये बहुत ही कम ऐसा सामान है जो ना हो, लेकिन हर सामान धीरे धीरे पूरा हो चुका है। 3 दिन के अंदर अंदर हमने पूरा कर लिया। मतलब मोस्टली जो किराने स्टोर में जो मिलने वाला सामान होता है वो सभी हो चुका है। और धीरे धीरे ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये अपन इनकी ये कुरकुरे जो हैं बहुत अच्छे बच्चे खाते हैं इनको बहुत ज़्यादा। ये मोटू पतलू करके है, और ये चिप्स है, इनको बहुत खाते हैं। हम बाहर से दिखा रहे हैं आपको, ये सब लगे हैं छोटे छोटे से, ये अपन का है ना, ये देखिए। और ये एटीएम भी यहाँ सपोर्ट करते हैं अपन, ये टंगा हुआ है इधर। ये सारी चीज़ें हैं हम दिखा रहे हैं आपको, मोस्टली पूरी हो चुकी हैं। ये कैश अब इस समय ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, कैश ज़्यादा बिक रहा है। और ये तो हई है क्रीम रिम, जीरा भी है 5 बिक्री में। अभी ये चाकू है, इसके पेट काट लिए। फालतू नहीं बोलते हैं, ये लड़का बहुत बोलता है। और ये इसका पेट ज्यादा, ये देखिए पूरा खा लेते। ये मोबाइल का भी एक्सेसरीज है अपना, और अंडे हई हैं ये, इनकी पेटी अपन लाए थे। तो आप पेटी लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, है ना। पेटी में काम करिए जो आप किराना स्टोर करना चाहते हैं, तो बहुत ही बेनिफिट है आपको। ये देखिए डेकोरेशन है, गिफ्ट वगैरह भी हैं, बर्थडे का पूरा सामान है। और ये फुग्गा, बैलून्स, ऑयल, ये चश्मा, ये सारी चीज़ें हैं। 20 का पैकेट आया था अपना, बॉक्स आया था। ये पार्ले जी है। और ये